हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। तो बेसिकली भाई, इस सेक्शन में बात करेंगे कि आई गॉट अनदर रिजेक्शन फ्रॉम द फेमस दृष्टि IAS ग्रुप। इसके ऊपर बात करेंगे भाई, कैसे मेरे को रिजेक्शन मिला और क्या कारण रहे होंगे पॉसिबल रिजेक्शन के। ठीक है, तो अगर अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। लाइक तो आप कर ही दोगे यार, ताकि आपके भाई का हौसला बना रहे। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि एक्सपीरियंस इसी तरह शेयर किए जाएँ, आपसे कुछ सीख लें। बेसिकली मैंने दृष्टि IAS ग्रुप में जो उनकी डॉक्टर विकास दिव्य सर की यूट्यूब चैनल है, उन्होंने है ना अप्रैल मंथ में एक वैकेंसी डाली थी कि एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलो की, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। हालांकि मैं उसके अंदर कुछ उन्होंने 7 रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस दे रखी थी, उसमें से मैं 2-3 प्रेफरेंसेस पे बिल्कुल मीट नहीं कर रहा था। जैसे उन्होंने मांग रखा था कि मास्टर्स होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी मांग रखा था कि आपका नेट JRFI का एग्ज़ाम या फिर UPSC मेंस और इंटरव्यू तक आप पहुँचे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली उनको उस प्रोफाइल के लिए वो बंदा चाहिए था जो उनको रिसर्च करके दे सके, जो भी कंटेंट जिस तरह का वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने हालांकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस में फ़िट नहीं बैठ रहा था, लेकिन मैंने अप्लाई इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं है ना मैं फ़िट हो रहा था। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं यार अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के अंडर है ना इसी तरह का काम कर रहा था, रिसर्च वगैरह करनी या फिर कोई बुक चैप्टर एडिट करना हो गया, कोई भी बुक प्रोजेक्ट एडिट करने का हो गया। ठीक है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को संभाल लिया इस तरह से, मतलब एक यही काम कर रहा था। जैसे भी उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी थी ना, तो मेरे को लग रहा था मैं कहीं ना कहीं उस 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मीट कर लूँगा। ठीक है, उसके लिए तब मैंने अप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, तो सरप्राइजिंगली भाई, मैंने जब उनको कॉल लेटर और अपना रिज्यूम शेयर किया, तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया। मेरे को तो लगा था कि रिस्पॉन्स आएगा नहीं, क्योंकि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, समझ रहे हो, कि उसके अंदर जैसे मास्टर्स मांग रखी उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद भाई उन्होंने मेरे से मांगा कि आप एक रिसर्च पेपर लिख के दो, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई थी। तो मैंने एक रिसर्च पेपर लिख के दे दिया। ठीक है, उसके बाद उनका रिजल्ट आया फाइनल, और उस रिजल्ट के अंदर नहीं, उसके बाद उन्होंने रिसर्च पेपर लिखने के बाद है ना, उन्होंने मेरे से उसके 10 से 15 दिन बाद उन्होंने मेरे से रिज्यूम मांगा था। ठीक है, कि आप अपना रिज्यूम शेयर कर दो, और रिज्यूम शेयर करने के भी 10 से 15 दिन बाद, यानी आज उनका फाइनल मेल आया। ठीक है, वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि वी आर रिग्रेटिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, इस तरह से करके 150+ एप्लीकेशंस थी, मतलब 150+ रिसर्च पेपर थे उनके पास, उसमें से कोई इनको 4 से 5 बंदे लेने थे। ठीक है, तो हार्डली मेरे को लगता है इन्होंने 20 से 50 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए होंगे। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं भाई। तो भाई देखो, अगर आप कहीं अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों तरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैंने बड़े लंबे समय बाद अप्लाई किया था, तो इसलिए मेरे को इसके रिजेक्शन का थोड़ा सा फील हुआ है। ठीक है, और मेरे को लगा कि आप लोग सर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, और मेन रीज़न मेरे को लगता है भाई सर ना सिलेक्ट होने के, कि एक तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा था यार, क्योंकि नेट JRF का बंदा चाहिए उन्हें। ठीक है, BTech के बंदे तो नेट JRF हार्डली देते हैं यार। ठीक है, BSc BA वगैरह वाले देते हैं। सेकेंड, मेरे को लगता है कि मेरे रिसर्च पेपर में दम नहीं होगा। ठीक है, ये चांसेस पूरे हाई हैं, क्योंकि भाई एक अगर आपको कोई मेंस UPSC मेंस का बंदा या फिर UPSC मेंस प्लस इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ बंदा मिले, इन एडिशन उसने JRF वगैरह भी निकाल रखा हो, तो यार बड़े दमदार होते हैं। और तीसरा, मास्टर्स, कि आपके पास मास्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन है ना, ये तीन चीज़ें भाई मैटर करती हैं भाई, हार्डली बहुत मैटर करती है। अब मान लो 150 बंदे हैं, रिसर्च पेपर सब ने इक्विवेलेंट लिख के दिया है, तो फिर बंदा जाएगा कहाँ? तब वो प्रेफरेंस क्राइटेरिया में जाएगा कि भाई इस बंदे के पास कौन सी प्रेफरेंस है। और अपने पास तो क्या था यार, अपने पास सिर्फ BTech की डिग्री है दिखाने के लिए। काम के तौर पर मैं बता सकता था कि यार जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी थी ना, तो वो मैं बता सकता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ भाई बाई हुक और बाई क्रुक, क्योंकि उसमें इसी तरह का काम था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे रखी थी, कि जिस तरह से कि आपको रिसर्च करनी है, प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर पे काम थोड़ा बहुत आता हो, और बुक राइटिंग या फिर बुक एडिटिंग इस तरह के, मतलब कुछ पॉइंट्स थे साथ, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, मैंने अपने रिज्यूम में फिट नहीं किया यार, जो उन्होंने जैसे
रिसर्च पेपर सबमिट करने के बाद है ना, उन्होंने एक लास्ट स्टेप पे मेरा रिज्यूम मांगा था कि आप अपना अपडेटेड रिज्यूम शेयर कर दो। तो उस रिज्यूम के अंदर है ना, जो मेरा रिज्यूम पुराना बना हुआ था, मैंने वही रिज्यूम शेयर कर दिया था। ठीक है, तो हो सकता भाई मैं रिज्यूम में ही कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट ना हो पाया हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत तगड़े तगड़े हैं यार, बहुत तैयारियाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपन पीछे रह गए। ठीक है, तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कहीं और अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे भाई, हालांकि दिल टूटता भाई। ठीक है, मैंने सोची थी यार कि यहाँ से इंटरव्यू कॉल तो आएगी एटलीस्ट, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आई, तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, और अगर अभी तक आप बने हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक तो कर ही दोगे यार।